हेलो लवली पीपल, वेलकम है आप लोगों का मेरे इस चैनल पे, जहां पे हम मैथमेटिक्स की जगत के अंदर चुटकियों के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करना सीख रहे हैं। इससे पहले की क्लास में हमने स्क्वायर के बारे में बात की थी और हमने देखा था कि कितने आसानी से उंगलियों पर हम लोग स्क्वायर को सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो कैसे भी नंबर्स हों। मैं आपको फ्यूचर में कुछ और ट्रिक्स दिखाऊंगा स्क्वायर के रिलेटेड, पर आज हम एक ऐसे टॉपिक की बात कर रहे हैं जिसको सोचने के साथ ही स्टूडेंट्स थोड़ी सी टेंशन में आ जाते हैं, स्क्वायर रूट। किस तरीके से हम लोग स्क्वायर रूट को सॉल्व कर सकते हैं आज हम जानेंगे, और आप लोगों का डर भगाने की मैं कोशिश करूंगा कि किस तरीके से स्क्वायर रूट को बहुत ही कम टाइम में और एक अच्छी ट्रिक के साथ हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। पर देखिए, उससे पहले थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। आप लोगों को ये जो मैंने मैटर लिखा हुआ है इसका कुछ आइडिया होना चाहिए। पहली बात तो ये कि आप लोगों को स्क्वायर्स के बारे में आइडिया होना चाहिए। कुछ नंबर्स, ज्यादा नहीं पर 1 से लेकर 25 के आसपास तक के जो स्क्वायर हैं वो आपको थोड़े बहुत बड़े मोटे माइंड के अंदर होने चाहिए, ठीक है। थोड़ी सी मेहनत आप लोग इस पे करिएगा। और दूसरा पॉइंट आपको ये देखना है कि अगर जो भी क्वेश्चन आपके सामने आ रखा है उस क्वेश्चन की यूनिट डिजिट अगर 1, 4, 5, 6 या 9 है तो बेसिकली ये नंबर्स जो है आपके कंप्लीट स्क्वायर रूट बनाने की कंप्लीट स्क्वायर रूट होते हैं ये। और बेसिकली अगर आप कॉम्पिटिशन एग्जाम्स दे रहे हैं, आप RRB की बात करें, डी ग्रुप की बात करें, तो उसके अंदर जो क्वेश्चन आएगा वो ज्यादातर कोशिश ही रहती है कि कंप्लीट स्क्वायर रूट ही आपको देते हैं। प्रैक्टिस के साथ आप लोगों को ये भी पता चल जाएगा, देखते ही पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर कंप्लीट स्क्वायर रूट बना सकता है और कौन सा नहीं बना सकता, ठीक है। तो अगर मैं कुछ ऐसे नंबर्स की बात करूं, जैसे कि अगर नंबर का एंड किस पे हो रहा है, 2, 3, 7 या 8 पे हो रहा है, 2, 3, 7 या 8, अगर कोई भी क्वेश्चन दे रखा है जो नंबर जिसका यूनिट डिजिट 2 पर 3 पर 7 पर या 8 पर एंड हो रहा है वो कंप्लीट स्क्वायर नहीं बनाते हैं, ठीक है। कंप्लीट स्क्वायर कौन से बनाएंगे, 1, 4, 5, 6 या 9। चलिए, यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। दूसरी अगर हम बात करें तो ये कि अगर आप जो क्वेश्चन दे रखा है उसका नंबर जो यूनिट प्लेस है वो 1 है तो हमारा जो आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, उसका यूनिट डिजिट या तो 1 होगा या 9 होगा। क्वेश्चन में अगर यूनिट डिजिट 4 दे रखा है तो हमारे आंसर का 2 या 8 आएगा, 5 का ओनली 5, 6 का है तो 4 और 6 और 9 का है तो 3 और 7। अब यहां पे भी कोई रट्टाफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ इतना सा देखना है कि देखिए अगर हम 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 ही आता है यूनिट डिजिट 1, 9 का स्क्वायर करते हैं तो 81, वहां पे भी यूनिट डिजिट क्या है 1, 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4, 8 का करते हैं तो 64, 64 का यूनिट डिजिट 4 है। सिर्फ 5 ऐसा नंबर है जिसको स्क्वायर करने पर 25 आता है और 5 उसका क्या रहेगा यूनिट डिजिट, 4 का करते हैं तो 16 और 6 का करते हैं तो 36, 3 का करते हैं तो 9 और 7 का करते हैं तो 49, ठीक है। तो ये बड़ा बड़ा आपको आइडिया हो गया होगा, आप नंबर देखते ही पहचान लेंगे कि हमारे आंसर का यूनिट डिजिट क्या होगा। चलिए हम अब देखते हैं कुछ नंबर्स लेके, कुछ एग्जांपल लेके कि किस तरीके से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए कि अगर मैंने नंबर लिया है 5041, क्वेश्चन में आ गया 5041 का स्क्वायर रूट निकालिए, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, कुछ स्टेप्स हैं जो आपको देखना है, प्रैक्टिस के साथ साथ बहुत अच्छे आप महारत हासिल कर लेंगे। तो इसमें क्या है, हमने देखा पहली बात तो हमने नंबर्स को 2 पेयर के अंदर डिवाइड कर लिया, 41 को और 50 को। 41 में इस नंबर का सिर्फ इतना सा रोल है, मुझे इस नंबर का यूनिट डिजिट देखना है जो कि 1 है। अब 1 है तो हमारे आंसर का यूनिट डिजिट क्या आ सकता है, 1 की अगर हम बात करें तो या तो ये 1 होगा और या फिर ये 9 होगा। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब हम चल जाते हैं अपने नेक्स्ट पेयर के ऊपर, यानी 50 के ऊपर। 50 का मुझे देखना है कि 50 किन दो नंबर्स के स्क्वायर के रेंज के बीच में आता है। 50 की अगर मैं बात करूं तो देखिए 7 का स्क्वायर होता है 49 और 8 का स्क्वायर होता है 64। नो डाउट सी बात है कि 50 इनके रेंज के बीच में आएगा। ये देखते ही पता चलते ही मुझे क्या करना है, छोटा वाला नंबर उठा लेना है। तो 7 और 8 में से छोटा वाला नंबर कौन सा है, 7। तो लीजिए मैंने 7 ले लिया। अब इसका स्क्वायर रूट या तो 71 होगा या इसका स्क्वायर रूट 79 होगा। ये पता करने के लिए मुझे क्या देखना है, 50 इन दोनों के स्क्वायर रूट के इन दोनों के स्क्वायर के किसके ज्यादा करीब है। तो 50 किसके करीब है, ऊपर वाला नंबर यानी कि 49। तो अगर ऊपर वाला नंबर है तो मेरा आंसर भी यहाँ पे ऊपर वाला नंबर होगा जो कि है 71। 71 स्क्वायर रूट है किसका, 5041 का। और एग्जांपल की हम बात करते हैं। मान लीजिए मैंने अगला नंबर लिया है 6724।
6724 का मुझे रूट निकालना है। चलिए जल्दी से करेंगे हम लोग। पेयर हमने बना लिए, 24 मैंने देख लिया, 4 अगर इसके यूनिट प्लेस पे है तो मुझे पता है या तो नंबर आएगा 2 और या फिर 8 पे खत्म होने वाला हमारा कोई स्क्वायर रूट होगा। ठीक है, 67 की अगर मैं बात करूं किसकी रेंज के बीच में आ रहा है, 67 आएगा आपके 8 और 9 के स्क्वायर के बीच में। इनमें से छोटा वाला नंबर मैंने ले लिया, मैंने नंबर ले लिया 8, या तो मेरा स्क्वायर रूट होगा 82 या मेरा स्क्वायर रूट होगा 88। मुझे ये देखना है 67 किसके ज्यादा करीब है, ऊपर वाले नंबर के या नीचे वाले नंबर के। 67 64 के करीब है, यानी ऊपर वाला नंबर। यहाँ पे भी ऊपर वाला नंबर मेरा क्या हो गया, स्क्वायर रूट हो गया, यानी 82 स्क्वायर रूट है किसका, 6724 का। आई होप ये ट्रिक आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। एक और एग्जाम्पल के साथ समझेंगे हम इसको, स्क्वायर रूट को। जैसे कि मान लीजिए मैंने नंबर ले लिया 4, 6, 2, 4, इसका मुझे स्क्वायर रूट निकालना है। पेयर बना लिया मैंने, 4 है तो 4 अगर मेरे एंड में है तो कौन सा नंबर आ सकता है, 2 या 8। बहुत ही इजी। 46 की अगर मैं बात करूं किसके बीच में आएगा, तो 46 आएगा आपके 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। इस छोटा वाला नंबर ले लिया, नंबर मैंने ले लिया 6। ठीक है, तो 6 अगर मैंने लिया तो या तो इसका स्क्वायर रूट 62 होगा या इसका स्क्वायर रूट 68 होगा। अब जो 46 है वो किसके करीब है, 36 के या 49 के। नो डाउट सी बात है वो किसके करीब है, 49 के, नीचे वाले नंबर के। यानी यहाँ पे हमारा नीचे वाला नंबर क्या हो गया, स्क्वायर रूट निकल के आ गया। देखिए कितने आसानी से बात है, 4624 का स्क्वायर रूट कितना है, 68। चलिए एक नंबर और लेते हैं, एक नंबर और लेके हम इसको समझेंगे, अच्छी तरीके से समझेंगे किस तरीके से। मान लीजिए मैंने नंबर लिया है 7921, मुझे इसका रूट निकालना है। सबसे पहले मैंने डिवाइड कर लिया, हमने देख लिया 1 इसके यूनिट डिजिट पे आ रहा है, तो नो डाउट सी बात है कि हमारे आंसर की यूनिट डिजिट पे या तो 1 आएगा या फिर 9 आएगा। उसके बाद हमने देखा नंबर 79, हम रेंज में से देख लेंगे 79 किसके बीच में आएगा, तो हम देख सकते हैं कि 79 8 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर इन दोनों के बीच में आ सकता है। इन दोनों में से छोटा वाला नंबर ही हमको लेना है, यानी मैं ले लूंगा 8। तो अब या तो नंबर 81 होगा या नंबर 89 होगा, मुझे देखना है 79 किसके करीब है, 79 64 के करीब है या 81 के करीब है। नो डाउट सी बात है 79 किसके करीब है, 81 के करीब है, यानी हमारा नंबर नीचे वाला नंबर मैं ले रहा हूं तो नीचे वाला जो नंबर है ये हमारा स्क्वायर रूट हो जाएगा। 7921 का स्क्वायर रूट कितना है, 89। देखिए कितना आसान सा है, केवल कुछ सेकंड्स के अंदर हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि 7921 का स्क्वायर रूट कितना है। फोर डिजिट वाले नंबर तो हमने देख लिए, चलिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स काम कर लेते हैं, कोई 5 डिजिट का नंबर अपन लेके इस चीज को सीखने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मैंने नंबर ले लिया 25281, इसका मुझे स्क्वायर रूट निकालना है। इसमें मैं क्या करूंगा, लास्ट के 2 डिजिट का पेयर बना लूंगा और बाकी नंबर को एज इट इज रहने दूंगा। यहाँ पे मैंने देखा यूनिट नंबर क्या है, 1 है, तो या तो 1 होने के चांस होंगे या फिर 9 होने के चांस होंगे। 252 अगर मैं देखूं तो किसकी रेंज के बीच में आ रहा है, 252 अगर मैं देखूं तो देखिए ये आएगा, ये आपका नंबर 15 का स्क्वायर होता है 225 और 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256। इनमें से छोटा नंबर मुझे लेना है, मैंने ले लिया 15, तो या तो मेरा नंबर होगा 151 या मेरा नंबर होगा 159। 252 अगर की मैं बात करूं तो किसके करीब है, नीचे वाले नंबर के करीब है, तो यहाँ पे नीचे वाला नंबर मेरा क्या हो गया, इसका स्क्वायर रूट हो गया 159। आई होप ये जो ट्रिक है आपको बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आप और प्रैक्टिस कीजिएगा, मैं आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी देता हूँ, कमेंट में आप लोग मेरे को उसका आंसर जरूर बताने की कोशिश करिएगा और मुझे बताइएगा कि ट्रिक आपको कितनी हेल्पफुल लगी। फ्यूचर में मैं और आपके लिए ऐसे ही ट्रिक्स लेकर आऊंगा, क्योंकि हमें आखिर करना क्या है, मैथमेटिक्स का भूत पूरी तरीके से उतारना है। एक क्वेश्चन आप मेरी तरफ से लिखिए, 62001, इसका स्क्वायर रूट आप लोग निकालेंगे, इसी तरीके से निकालेंगे और मुझे बताइएगा कि कितने कम ड्यूरेशन के अंदर, टाइम के अंदर आपने इसका स्क्वायर रूट निकाला। आपके लिए और ऐसे वीडियोस लेकर आऊंगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों के डाउट्स को अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकूं। थैंक यू।